लोगों का एक बहुत ही कॉमन सवाल, बहुत ही कॉमन सी चीज वो बार बार पूछते हैं कि सर हमने लोन लिया है और लोन का रिपेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में जो एजेंट होते हैं वो हमको कॉल करते हैं और हम अपना फोन स्विच ऑफ कर लें, मतलब कि बिल्कुल मतलब कोई संपर्क उनसे ना करें, फोन ना उठाएं। तो ऐसे में कंपनी हमारे ऊपर क्या एक्शन ले सकती है? क्या उनका हम फोन नहीं उठाएं कोई लीगल एक्शन हो सकता है? उनका फोन को मतलब हम इग्नोर कर दें या फोन अपना स्विच ऑफ कर दें, कोई FIR दर्ज हो सकती है? कोई लीगल एक्शन? ये घर पे एजेंट आ सकते हैं या कोई गुंडे आ सकते हैं या हमारा सिविल डाउन हो सकता है? क्या हो सकता है? आपको ये समझ में नहीं आता कि फोन स्विच ऑफ करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में या नहीं करना चाहिए लोन लेने के बाद? दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर बताऊंगा, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों यहाँ पे आपको पहली चीज, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक लोन ऐप से या 20 लोन ऐप से लोन लिया, चाहे आपने 1 रुपए का लिया, चाहे आपने 1 लाख का 1 करोड़ को लोन लिया है और आप उसको नहीं चुका पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे में एजेंट कॉल तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले कॉल ही आना स्टार्ट होती है। जो मतलब परेशानी की एक सीढ़ी होती है ना, वो होती है कॉल आना स्टार्ट से, मतलब कि कॉल आना शुरू होगी उसके बाद घर तक आएंगे या लीगल नोटिस, ये बात की चीजें हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कॉल का सिस्टम है ना भाई, देखिए शुरू में जब कॉल आएगी नॉर्मली आप उठाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ने लगे, पहले एक कॉल आई, फिर दो, फिर दिन में 4 हो गई, फिर 5 हो गई, जब आपको लगे कि अब यार कुछ ज्यादा ही हो चुका है, पैसा मेरे पास है नहीं है, मैं चुका नहीं पा रहा हूं और बार बार एक ही बात आपको समझानी पड़ रही है, सामने वाला जो आपसे बदतमीजी कर रहा है, नॉर्मल कॉल करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, लोन का रिपेमेंट कर दो, ऐसा कर दो, पैसा कर दो, तो भाई आप फोन को स्विच ऑफ कर दें या फोन को सरेंड करके फेंक दें, कुछ भी करें, आप उनका फोन मत उठाएं, कोई रिप्लाई ना दें, घंटा ये कुछ भी आपका नहीं उखाड़ सकते हैं। ये सब गलत फहमियां हैं। अगर कोई यूट्यूब पे बोलता है या आपने कहीं भी किसी से सुना किसी के मुंह कि अगर आपने फोन उठाया तो कंपनी एक्शन ले लेगी, सिविल डाउन कर देगी, करते भाई हमारा पर्सनल नंबर है, हम कुछ भी करें, बात खत्म हो गई है। अगर आपको लोन की रिकवरी करनी है आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में केस करिए, जो कुछ करना है करिए, लेकिन फोन स्विच ऑफ करना हमारा ये अपना अधिकार है। ये कोई RBI का ऐसा रूल नहीं है, ये सरकार का रूल नहीं है। अगर रिपेमेंट जो बंदा नहीं कर रहा उसका फोन ऑन रहना चाहिए और फोन पे पर्सनली वो बात करे या हर समय कॉल पे बात करे, जब भी कंपनी कॉल करे वो आपसे बात करे, मन नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। बस आपको यही समझाना था। बहुत से लोग डरे बैठे हैं, किसी ने बोल दिया है कि भाई अगर फोन उठाओगे तो और ज्यादा 400 बीच में केस बन जाएगा कि इसमें FIR दर्ज हो जाएगी, पुलिस घर पे आएगी। अरे भाई कुछ नहीं होता है, अगर आप फोन उठाओगे सिंपल सी बात यह है कि भाई आपका जो काम है ना बहुत आसान हो जाएगा, परेशान नहीं होगे, जो भी नौकरी बिजनेस करते हो उसमें आप सही से दिमाग लगा पाओगे। और ये लोग बार इतनी कॉल करते हैं कि आपका दिमाग ही काम नहीं करता है क्योंकि फोन करेंगे और अच्छा इनको भी खुद रूल का पता नहीं होता है, जेल वालों को ये बोलेंगे मैं RBI से बोल रहा हूँ कि कोतवाल से बोल रहा हूँ कि रिपेमेंट कर दो, मैं घर पे आ रहा हूँ, ये करो। भाई कोई घर पे ज्यादा नहीं आता, कुछ भी नहीं होता है। बड़े बड़े शहरों में जो चीजें होती है ना, जो लोन लेते हैं उनके घर पे एजेंट चले आते हैं क्योंकि वो लोकल का सारा होता है और भाई वहां जा सकते हैं, छोटे गली मोहल्ले में नहीं आ सकते, ये मेरे यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे यहाँ अगर आएंगे तो होता है कि एक हाथ गायब होगा, एक टांग गायब होगी। दिल्ली वगैरह में है, मुंबई वगैरह में, वहां पे मजबूरी होती है, लोग रह रहे होते हैं, बाहर के रहने वाले होते हैं, कोई ठिकाना नहीं होता, यहाँ तो इतने खेत खंपाड़े पड़े हैं, कब मारे और गाड़ दिए मार के कोई पता नहीं चलेगा लोगों को, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती ऐसे एरिया में जाने की। तो फोन स्विच ऑफ करने पर कोई कलेश नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस इतना काम कर देना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, EMI नहीं दे पा रहे हो किसी वजह से, उसका पूरा प्रूफ के साथ, पूरा रीजन के साथ कंपनी को मेल कर दो। और जितनी इनकी ब्रांच है, छोटी ब्रांच, बड़ी ब्रांच, जोनल ऑफिस, मुख्य ऑफिस, बड़ा ऑफिस, ये ऑफिस, वो ऑफिस, सब जगह फैल दो, ट्विटर, फेसबुक, जहां जहां ये लोग अवेलेबल होते हैं सब जगह दे दो। उसके बाद ये चीजें कुछ भी करें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फोन उठाओगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे घर पे एजेंट आए, चाहे कुछ भी करें, चाहे केस करें या FIR दर्ज करें, कुछ भी घंटा नहीं कर पाएंगे, आपको फोन स्विच ऑफ करने से कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। उम्मीद है पूरी बात समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा सब। कभी इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।